हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक पंजाबी फूड रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रॉ बनाना कोफ्ता करी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी बनती है। आप हमारे तरीके से ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपने चैनल पर रॉ बनाना की ड्राई सब्जी की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रॉ बनाना कोफ्ता करी, तो शुरू करते हैं रॉ बनाना कोफ्ता करी बनाना। रॉ बनाना कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने 4 बनाना लिए हैं। ये मैंने कच्चे लिए हैं और इसको बॉयल कर लिया है। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल किया है। करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, अदरक लिया है, इसको रफली काट लिया है, प्याज लिया है, इसको भी रफली काट लिया है क्योंकि हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे, और 2 लाल मिर्च ली है, जीरा लिया है, और मैंने दालचीनी ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, तेज़पत्ता लिया है, और ये मैंने प्याज और थोड़ा अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च इसको बारीक काट लिया है। ये हम कोफ्ते में यूज़ करेंगे। बेसन लिया है मैंने, नमक लिया है, हल्दी ली है, और ये कश्मीरी पाउडर है, ये मैं कलर के लिए यूज़ करूँगी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और लाल मिर्च ली है, और हरा धनिया लिया है थोड़ा। मैं इसमें कोफ्ते में यूज़ करूँगी और थोड़ा हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। सबसे पहले हम कोफ्ते को छील के तैयार कर लेंगे। ये बहुत आसानी से छिल जाता है। केले को छील के देखिए हमने तैयार कर लिया। अब इसको हम मैश कर लेंगे। केले को देखिए हमने छील के अच्छे से मैश कर लिया। चाहे तो आप इसे ग्रेट कर सकते हैं, चाहे मैश कर सकते हैं, दोनों तरीके से ही आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हमें बहुत ही ध्यान से इसमें डालना है क्योंकि हम ग्रेवी जो बनाएंगे उसमें भी नमक होगा, तो इसलिए आप अपने ध्यान से नमक डालिएगा। और मैं यहाँ पर 2 पिंच लाल मिर्च ले रही हूँ, 2 पिंच गरम मसाला, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये धनिया पत्ती, प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काटे थे, साथ में अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ये बेसन ऐड कर देंगे। जितना इसमें मिक्स हो जाए बेसन, हम उतना ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अभी हम मिक्स कर लेते हैं इसको। जी देखिए, हमने मिक्स कर लिया इसको सबको। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। जी देखिए, सारे बॉल्स यानी कोफ्ते हमने बना के तैयार कर लिए। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। जब भी आप कोफ्ते बनाएं इसमें प्याज, अदरक और हरी मिर्च ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए, ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है कोफ्ते फ्राई करने के लिए। देखिए, ऑयल गर्म हो चुका, अब इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। जितने एक बार में कढ़ाई में आ जाएं उतने ही हम कढ़ाई में डाल के इसको फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से कुक हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज करके इसको पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। एक अच्छा सा इसका कलर आना चाहिए। देखिए, इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। दूसरी साइड से भी जब अच्छे से कुक हो जाएंगे तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अभी 5 मिनट और लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। जी देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। जी देखिए, कितने अच्छे कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। अब हम जल्दी से फटाफट ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, उसका मसाला तैयार कर लेते हैं ग्रेवी का। जी देखिए, वापस से हमने वही कढ़ाई रख दी। इसमें 1 चम्मच और हमने तेल लिया है, और हम सबसे पहले प्याज, अदरक और लहसुन को फ्राई करेंगे, और टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले जीरा, इलायची और दालचीनी डाल देते हैं।
इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज लहसुन अदरक तीनों को हम ऐड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल हमें बहुत कम लेना है प्याज को भूनते वक्त, क्योंकि हम दोबारा से फिर से इसको भूनेंगे मसालों के साथ। 4 से 5 मिनट तक हम इसे भून के अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जी देखिए प्याज हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। गैस हम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे और इसका थिक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है प्याज को, लाइट ब्राउन ही रखना है। देखिए हमने प्याज का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए 2 बड़े चम्मच हमने फिर से ऑयल कढ़ाई में डाल के रख दिया है। सबसे पहले हम तेज़पत्ता और मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल का आपको थोड़ा कम यूज़ करना है, क्योंकि कोफ्ते भी ऑलरेडी ऑयल में फ्राई हुए हैं तो उनके अंदर भी तेल होगा, और प्याज भी हमने तेल में फ्राई किए हैं, इसलिए मसाला इस वक्त भूनते वक्त आपको तेल थोड़ा कम यूज़ करना है। देखिए रेड चिली और ये तेज़पत्ता हो चुका है, इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब ये जो मसाले हमने लिए थे वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम हल्दी ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर और काश्मीरी पाउडर यूज़ करेंगे, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। पाँच 6 सेकंड के लिए हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम जो हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। सारा पेस्ट इस तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जी देखिए मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हमने जो टमाटर की प्योरी बनाई थी ये ऐड कर देंगे और इसको भी मसाले के साथ में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जी देखिए इस वक्त हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। अच्छे से जब ये कुक हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर हम इसकी ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे इसकी ग्रेवी के लिए। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं 1/2 ग्लास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अगर थिक पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से पानी ऐड करें, क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते भी पानी अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए ग्रेवी हमें थोड़ी सी पतली रखनी है। इसको हम बॉयल आने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स बॉयल आ चुका है ग्रेवी में। अब इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। जी देखिए कोफ्ते हमने इसमें ऐड कर दिए हैं ग्रेवी में, और इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे ढक के इसको। देखिए फ्रेंड्स रॉ बनाना कोफ्ता करी बन के तैयार है। इस वक्त हमने इतनी ग्रेवी रखी, आप अपनी मर्जी के अनुसार जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप इसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनाना रॉ कोफ्ता करी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं।
जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए रॉ बनाना करी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी रॉ बनाना कोफ्ता करी बनी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट में हमें बताएं। जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो हमारी रेसिपी के अनुसार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। ओके बाय।